माय चैनल माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू श्रुति मेकओवर। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप सभी के लिए गई हूँ परमानेंट स्ट्रेटनिंग की वीडियो। मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस आता है जब भी मैं परमानेंट स्ट्रेटनिंग की वीडियो डालती हूँ। आज मैं बहुत दिनों के बाद लगभग 6 मंथ या 5 मंथ के बाद आपसे मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। आप इसको रिबॉन्डिंग, स्मूदनिंग, परमानेंट स्ट्रेटनिंग तीनों बोल सकते हो। मैं आपको डिफरेंस से बता दूंगी कि तीनों में क्या डिफरेंस है, इसको करने का सही तरीका क्या है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको पूरा तरीका नहीं पता होता है। तो आज की वीडियो में आप आराम सीख लोगे घर बैठे किस तरह से आप परमानेंट हेयर को स्ट्रेट कर सकते हो। ये एकदम परमानेंट रहता है, 1.5 साल तक आराम से आपके हेयर में रहेगा। अभी मेरे हेयर में 1 साल हो चुके, अभी तक स्मूदिंग नजर आती है। तो आप भी मेरी वीडियोस को देख के ये वाला जो मैं आपको स्मूदिंग रिबॉन्डिंग बताऊंगी कर सकते हो। अगर वीडियो हेल्पफुल होगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब मैं चलिए आपको आगे बताती हूँ सारे डिटेल, सारे प्रोडक्ट। ऑल राइट गाइस, सबसे पहले तो आप बिफोर ज़रूर क्लाइंट का पिक्चर ले लेना, यानी हेयर का। इससे आपको भी पता चलेगा कि कितना डिफरेंस आया है। बिफोर भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है हेयर की, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कटिंग सीट अच्छे से वेयर करवा देना है। तो ये वाला प्रोसेस मैंने आपको पहले दिखा दिया। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोडक्ट नॉलेज दे देती हूँ, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, ये है थ्योरी नॉलेज। सबसे पहला प्रोडक्ट आपको चाहिए स्मूदनिंग क्रीम, जो कि फर्स्ट क्रीम है हमारा, एंड नेक्स्ट न्यूट्रलाइजर। नेक्स्ट आपको चाहिए शैम्पू, मास्क, सीरम। लॉरियल एक्सटेंसो का मैं यूज़ कर रही हूँ, इस वजह से सारा कुछ लॉरियल एक्सटेंसो का ही मैं यूज़ कर रही हूँ। एंड स्मूदनिंग क्रीम जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है एक्स्ट्रा रेसिस्टेंट। ध्यान से सुनिए, मैं यूज़ कर रही हूँ एक्स्ट्रा रेसिस्टेंट। एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस किस में यूज़ किया जाता है, जिनके हेयर वर्जिन होते हैं, जिनमें कोई भी केमिकल यूज़ नहीं की गई, एंड कर्ली हेयर के लिए काफ़ी अच्छा होता है। नेक्स्ट आपको चाहिए कॉम इस तरह की, आपको चाहिए बाउल, आपको चाहिए ग्लव्स, आपको इस तरह से सब कुछ ट्रॉली पे रख लेना, ऑर्गेनाइज कर लेना है। सबसे पहले हम करेंगे शैम्पू। आप लॉरियल की प्योरीफाइंग शैम्पू यूज़ करोगी, फॉर एग्जांपल एक्सटेंसो केयर वाली आप यूज़ कर सकते हो, लॉरियल पेरिस की हेयर स्पा वाली शैम्पू, वो भी प्योरीफाइंग शैम्पू। मेरे पास दोनों का दोनों है, बट मैं यहाँ पे रिबॉन्डिंग कर रही हूँ तो मैंने यही वाला शैम्पू यूज़ कर लिया, एक्सटेंसो वाला। यही हम क्लाइंट को रेकमेंड करते हैं कि वो 1 ईयर तक लगाएंगे। ऑल राइट, तो सबसे पहले आपको करना है शैम्पू। शैम्पू एटलीस्ट आपको 2 बार करना है। ये सब बात का आपको बहुत ध्यान रखना है, ये सब की पॉइंट होते हैं। ओनली शैम्पू करना है, कंडीशनर यूज़ नहीं करना है। कंडीशनर यूज़ करो, क्यूटिकल्स बंद हो जाएंगे हेयर के, तो इसके बाद रिजल्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। अच्छे से आपको 2 बार शैम्पू कर लेना है, पूरा डर्ट पॉल्यूशन सब निकल जाना चाहिए। नेक्स्ट आपको करना है टॉवल ड्राई, एटलीस्ट आपको 20% हेयर ड्राई कर देने हैं। नेक्स्ट आपको ग्लव्स वेयर कर लेना है, एंड आपको निकालना है फर्स्ट क्रीम, जो कि है स्मूदनिंग क्रीम, जिसका नेम है एक्स्ट्रा रेसिस्टेंट। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं रेसिस्टेंट किस में यूज़ किया जाता है, एक्स्ट्रा रेसिस्टेंट। रेसिस्टेंट हम यूज़ करते हैं जिनके हेयर में हाइलाइट्स एंड कलर रहते हैं, एंड एक्स्ट्रा रेसिस्टेंट वर्जिन हेयर पे यूज़ करते हैं, जैसे कि मेरे क्लाइंट के हेयर वर्जिन है। और अच्छे से आपको टेंगल्स को रिमूव कर लेना है। नेक्स्ट आपको सेक्शन क्लिप को अप्लाई करना है, ईयर टू ईयर हेयर डिवाइड, एंड पीछे में 2 पोर्शन डिवाइड। सेक्शन डिवाइड करना सीखिए, 4 पोर्शन में डिवाइड करना है आप लोगों को, एंड एकदम स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। सबसे पहले हम नीचे की ओर से हेयर को निकालेंगे, नेक लाइन से। आप किसी की हेल्प ले सकते हो जो हेयर पकड़ सके। नेक्स्ट आपको स्मूदनिंग क्रीम को अप्लाई करना है, आपको अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है स्मूदनिंग क्रीम को बाउल में। नेक्स्ट आपको रूट से 1 या 2 इंच छोड़ के स्मूदनिंग क्रीम को अप्लाई करना है, यानी फर्स्ट क्रीम को अप्लाई करना है। रूट पे बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है, ये क्रीम बहुत हार्ड होता है, ये आपके हेयर को जला सकता है, आपकी स्कैल्प को जला सकता है, आपके हैंड को जला सकता है। इस वजह से ग्लव्स तो ज़रूर वेयर कीजिएगा, अदरवाइज़ ये अनप्रोफेशनल लगेगा। आपको इस तरह से अच्छे से क्रीम अप्लाई करना है। नेक्स्ट आपको 2 फिंगर की मदद से इस तरह से सेकेंड एंड थर्ड फिंगर की मदद से क्रीम को नीचे की ओर लाना है, एंड इमल्सीफाई करना है। मैंने थोड़ा ज़्यादा क्रीम ले लिया, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं अपनी स्टूडेंट लोगों को भी सिखा रही हूँ, उनको भी क्लासेस दे रही हूँ, जैसे कि आपको बहुत बार मैंने बताया कि भी मैं न्यू बैच स्टार्ट है 1 मंथ से, तो उन लोग का भी फर्स्ट क्लास है स्मूदनिंग का, तो इस वजह से मैं उनको भी स्लो दिखा रही हूँ, आपको भी स्लो दिखा रही हूँ। मैंने यह वीडियो फास्ट नहीं किया, एकदम धीरे धीरे स्प्रेड करके आपको स्मूदनिंग क्रीम को नीचे लाना है। ये वाला क्रीम ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये आपके हेयर के बॉन्ड को तोड़ेगा। आपके हेयर के बॉन्ड जब तक नहीं टूटेंगे ना, इसके बाद रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। सो क्या करना है आप लोगों को, अच्छे से क्रीम अप्लाई एंड इमल्सीफाई करना है। नेक्स्ट आपको कॉम लेना है, कॉम की मदद से अच्छे से कॉम कर लेना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, कॉम की पीछे वाली पॉइंट से इस तरह से नीट करना है। ऑल राइट, आप समझ गए, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, फिर से रिपीट कर रही हूँ, 1 इंच छोड़ के क्रीम को अप्लाई करना है। सो इस क्रीम में ऐसा क्या पाया जाता है जिसकी वजह से हमारे हेयर के बॉन्ड टूटते हैं एंड हमारे हेयर में नया शेप आता है? इसमें पाया जाता है थाय ग्लाइकोलिक एसिड, जिस केमिकल के थ्रू हमारे हेयर के बॉन्ड टूटते हैं, एंड इसके बाद
हम अपने हेयर को नया शेप देते हैं, तो बॉन्ड टूटना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट क्रीम से बॉन्ड को तोड़ता है, सेकेंड क्रीम उसको फिक्स करता है, यानी कि न्यूट्रलाइजर, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है, तो दोनों का यूज़ करना है। एंड ये क्रीम मैं वेट हेयर में अप्लाई कर रही हूँ, आप ड्राई हेयर में भी अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप ब्लो ड्राई कर देना पैरेलल ब्रश की मदद से, एंड देन आप क्रीम अप्लाई कर सकते हो। अगर हेयर बहुत ज़्यादा कर्ली है, बहुत एक्सट्रीम लेवल के, तो आपको क्या करना है, हेयर को अच्छे से ड्राई कर लेना है, ब्लो ड्राई कर लेना है पैरेलल ब्रश से। नेक्स्ट आपको आयरनिंग करनी है लाइट, देन आप फर्स्ट क्रीम का अप्लाई करोगे। बट आप देख सकते हो मैं जिन पे आपको स्मूथनिंग या रिबॉन्डिंग बता रही हूँ, इनके हेयर ऑलरेडी पहले से काफ़ी स्ट्रेट है। सो रिबॉन्डिंग एंड स्मूथनिंग में क्या डिफरेंस होता है, आप में से बहुत लोगों से पूछते हो। स्मूथनिंग में हमारे 95% हेयर स्ट्रेट होते हैं, रिबॉन्डिंग में 100% हेयर स्ट्रेट होते हैं। रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग में बस ये अंतर होता है कि रिबॉन्डिंग में हम थोड़ा सा हार्ड प्रेशिंग करते हैं, एंड रिबॉन्डिंग हम प्रेफर करते हैं कर्ली हेयर के लिए। एंड स्मूथनिंग में हम थोड़ा सा लाइट प्रेशिंग करते हैं, लाइट तो नहीं करेंगे, मींस उतना भी हार्ड नहीं करते, आप समझ रहे हो। पोकर स्ट्रेट आपको हेयर नज़र नहीं आएंगे, थोड़ा बहुत आपको नेचुरल लगेगा, बस आयरनिंग का डिफरेंस होता है, अदरवाइज कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है। एंड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो अपनी सिस्टर पे बताऊंगी, मेरी सिस्टर के हेयर ने बहुत ज़्यादा कर्ली है, सो मैं उस पर आपको रिबॉन्डिंग बता दूंगी। मैं उसमें थोड़ा सा स्टेप चेंज कर दूंगी, उस पर मैं आपको पहले ब्लो ड्राई करके दिखा दूंगी, देन हेयर को आयरन करके दिखाऊंगी, देन क्रीम अप्लाई करके दिखाऊंगी, तो थोड़ा सा आपको भी अच्छा लगेगा, थोड़ा डिफरेंट टाइप का वीडियो हो जाएगा। सो यहाँ पे क्रीम अच्छे से अप्लाई हो रहा है, आप देख सकते हो। क्रीम छोटे छोटे पोर्शन लेके अप्लाई करना है, किसी एक आदमी का हेल्प को ज़रूर लगेगा। यहाँ पे तो मेरी स्टूडेंट लोग की हेल्प कर रही है, तो आप देख सकते हो सेक्शन निकालना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छे से क्रीम को अप्लाई इमल्सिफाई, हर एक हेयर में क्रीम लगना चाहिए, एक भी ऐसे हेयर नहीं होने चाहिए जिसमें छूटे हेयर, क्रीम सब में अच्छे से आए। एंड ईयर टू ईयर हेयर के पास तो और ध्यान से आपको करना है, क्योंकि फ्रंट के हेयर जो होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फ्रंट के हेयर से ही हमारा लुक खिलता है। सो इस तरह से ईयर टू ईयर करके आपको अच्छे से अप्लाई करना। एंड गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको दे रही हूँ, 20 मिनट्स के अंदर आपको पूरे हेयर में क्रीम अप्लाई करना है, मोर देन 25 मिनट आपको नहीं लगाना है, अदरवाइज क्या होगा, पीछे का प्रोसेस हो जाएगा, फ्रंट का प्रोसेस लेट से होगा। तो जल्दी कीजिए, फास्ट कीजिए, एंड दो आदमी की हेल्प से भी आप कर सकते हो। ऑल राइट, इसको रहने देना है 30 मिनट से 25 मिनट के लिए, उसके बाद आपको विजुअल चेकिंग करना है। 35 मिनट के बाद मैंने चेक किया था, बॉन्ड हेयर के नहीं ब्रेक हुए थे, 40 मिनट के बाद हल्के हल्के बॉन्ड ब्रेक होने लगे थे। तो अगर आप इस तरह से हेयर को खींचते हो, पतला सा आपको पहले हेयर लेना है, इसे हम स्ट्रैंड टेस्ट बोलते हैं, एंड एस आकार का शेप आ रहा है, एस आकार का, जिसे आप देख रहे हो यहाँ पे आ चुका है, ये अगर आ गया तो आप समझ जाइए हेयर के बॉन्ड ब्रेक हो चुके हैं। सब जगह का चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको वाटर लेना है, एंड इस तरह से स्प्रे करना है, एंड इमल्सिफिकेशन करना है, इमल्सिफिकेशन 5 मिनट्स के लिए आपको करना है। इससे क्या होगा, जो हेयर में प्रोसेस नहीं हुए ना उस हेयर में भी हो जाएंगे। उसके बाद आपको करना है प्लेन वाटर से हेयर को वॉश। आपने जो फर्स्ट क्रीम को अप्लाई की सबका सब निकल जाना चाहिए, थोड़ा सा भी पार्टिकल या क्वांटिटी उसका रहना नहीं चाहिए हेयर में, अदरवाइज प्रॉब्लम करेगा। सो प्लेन वाटर से कर लेना है वॉश, इसके बाद टॉवल ड्राई, एंड नेक्स्ट ब्लो ड्राई। पहले ठंडा हवा 10 मिनट तक दीजिएगा, उसके बाद आप गर्म हवा दीजिएगा। सो ड्रायर के लिए मैं चियोबा की ड्रायर का यूज़ कर रही हूँ। ड्रायर हो चुका है, अब आते हैं प्रेसिंग, आयरनिंग या स्ट्रेटनिंग। अब ये वाला जो स्टेप आप देख रहे हो ना, अभी यहाँ पे जो प्रेसिंग हो रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, मैं बताती हूँ क्यों। पहले तो आपको 90 या 95% हेयर ड्राई कर लेने हैं ब्लो ड्रायर की मदद से, उसके बाद आपको ईयर टू ईयर डिवाइड करना है, एंड पीछे में दो पोर्शन डिवाइड करना है, एंड आपको स्टार्ट करना आयरनिंग करना। आयरनिंग इस पूरे प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। अभी जो हम आयरनिंग करके नया शेप दे रहे हैं ना हेयर को, या बोल सकते हो प्रेसिंग कर रहे हैं, एंड अभी जो शेप आएगा यही लास्ट में रिजल्ट आएगा। अगर आपकी प्रेसिंग आयरनिंग अच्छी है तो आपके स्मूथनिंग रिबॉन्डिंग का रिजल्ट अच्छा आएगा ही आएगा, क्योंकि अभी हमारे हेयर के बॉन्ड ब्रेक हुए, हमारे हेयर बहुत नाजुक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेटनिंग से इसको एक नया शेप दे रहे हैं। आप देख सकते हो एकदम पोकर स्ट्रेट आपको करना है। आयरनिंग मशीन जो आप यूज़ करोगे सेरेमिक प्लेट या टाइटेनियम प्लेट होनी चाहिए। मैं दो यूज़ कर रही हूँ, एक है आइकॉनिक की प्रो स्ट्रेटनर, एक है आइकॉनिक की ग्लैम स्ट्रेटनर। आप आइकॉनिक के ले सकते हो, एलन ट्रूमन के ले सकते हो, बहुत सारे ब्रांड में आती है, बट मुझे आइकॉनिक सबसे बेस्ट लगता है, इसका रिजल्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। सो दो स्ट्रेटनर की मदद से आपको स्ट्रेट करना है, एंड एक हेयर को एटलीस्ट आपको 2 से 3 बार स्ट्रेट करना है। पोकर स्ट्रेट मीन्स एक बार पहले आप स्ट्रेट कर दो, फिर से एक बार स्ट्रेट करो, फिर से लास्ट में एक बार स्ट्रेट करो, या आप ये भी कर सकते हो एक हेयर को एटलीस्ट 10 टाइम्स आपको स्ट्रेट करने हैं।
एकदम पतला पतला सेक्शन लेके आपको स्ट्रेट करना है एंड एकदम 100% पोकर स्ट्रेट होना चाहिए, क्योंकि ये जो आप शेप देख रहे हो ना, हम इस आयरनिंग करके देंगे, यही लास्ट में रिजल्ट आता है। सो इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा एंड आप प्रैक्टिस जितना करोगे आयरनिंग में, टेम्प्रोरी स्ट्रेटनिंग सीख जाइए, तो आप ये वाला प्रेसिंग आराम से कर लोगे। सो आप देख सकते हो हेयर पूरे के पूरे आयरन हो चुके हैं। छोटा छोटा पोर्शन लेके आपको करना, एक घंटे से ज़्यादा आपको लग सकता है हेयर को करने में, लंबे हेयर होंगे तो उससे भी ज़्यादा लग सकता है, बट आपकी हेयर में जितनी भी फ्रिजनेस है सबको गायब करना आयरनिंग करके। अभी हम हेयर को नया शेप दे रहे हैं, ये सब बात आप नोट करो। अगर आप डायरी लेके बैठते हो ना मेरी वीडियोज़ के थ्रू, अगर आप ब्यूटिशियन कोर्स दिख रहे हो, तो आप हर एक पॉइंट को मेरी नोट करो, मैं जो भी बोलती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो इस तरह से कुछ हेयर को आपको अच्छे से स्ट्रेट कर लेना, एकदम शाइन नज़र आना चाहिए। नेक्स्ट आपको न्यूट्रलाइजिंग क्रीम को अप्लाई करना है, तो थोड़ा सा हेयर को ठंडा होने दीजिएगा, देन आप न्यूट्रलाइजर को अप्लाई करोगे। तो कटिंग सीट इस बार क्लीन वेयर करवा दीजिएगा। नेक्स्ट फिर से वही ईयर टू ईयर है डिवाइड एंड पीछे में दो पोर्शन डिवाइड एंड अब आपको अप्लाई करना है न्यूट्रलाइजर। तो न्यूट्रलाइजर ना आप एक इंच छोड़ के नहीं भी अप्लाई करोगे तो चलेगा, बट स्कैल्प पे नहीं अप्लाई करना, प्रॉब्लम आ सकती है। एंड न्यूट्रलाइजर में आप ग्लव्स नहीं भी वेयर करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। एंड एक बात का और ध्यान रखना है, जब भी न्यूट्रलाइजर अप्लीकेशन करते हो क्लाइंट को बोल दोगे कि वो हिले डुले नहीं, अगर वो हिले डुलेंगे तो जो शेप होता है ना हेयर का वो बिगड़ सकता है। 10 मिनट तक बोलना है उनको एकदम एक पोजीशन में बैठे, क्योंकि न्यूट्रलाइजर क्या काम करता है, हेयर को फिक्स करता है। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे कोई फर्नीचर बनाते हैं उसको हम नया शेप दे देते हैं, जैसे कारपेंटर करते हैं ना नया शेप देते हैं, उसको फिक्स कैसे करते हैं, फेविकॉल की मदद से। तो वही ये काम कर रहा है, हमने आयरनिंग से उसको एक नया शेप दिया, बस हम एक तरीका समझो ग्लू लगा रहे एंड उसको फिक्स कर रहे। तो न्यूट्रलाइजर ग्लू का ही काम करता है। सो इस वजह से मैं बोलती हूँ, जब भी आप न्यूट्रलाइजर अप्लीकेशन करते हो क्लाइंट को इधर उधर बोलने, इधर उधर हिलने नहीं बोलिएगा। न्यूट्रलाइजर थोड़ा पतला होता है तो आप थोड़े से मोटे सेक्शन लेके भी अप्लाई कर सकते हो एंड एकदम आराम से धीरे धीरे अप्लाई कीजिएगा, सेम जैसे हमने फर्स्ट क्रीम को अप्लाई किया है। इमल्सिफिकेशन अप्लाई, कॉम के पीछे वाली पॉइंट से नीट करना एंड कटिंग सीट पे रखते जाना है, यही प्रोसेस होगा और कुछ भी नहीं। न्यूट्रलाइजर ना 10 मिनट भी आप रख सकते हो, बहुत लोग बोलते हैं 10 मिनट रखा जाता है, 15 मिनट रखा जाता है, बट मैं ना इसको 20 मिनट के लिए ही रखती हूँ, 20-25 मिनट के लिए मैं रहने देती हूँ। आप 10 मिनट के लिए भी रख सकते हो, 15 मिनट के लिए भी रख सकते हो, बट 10 मिनट से कम नहीं रखना है, सबका अपना अपना तरीका होता है। मैं इसको 20 मिनट रहने ही देती हूँ क्लाइंट के हेयर में, आप पे डिपेंड करता है, अगर आप 10 मिनट भी रखोगे तो भी अच्छा रिजल्ट आएगा। मैंने आज तक 10 मिनट तो कभी नहीं रखा है, 15 मिनट ज़रूर रखा है, 10 मिनट कभी नहीं रखा, बट बहुत लोग बोलते हैं 10 मिनट भी रख सकते हैं, बट मैं रिस्क नहीं लेती हूँ। तो आपको भी मैं बोलूँगी रिस्क ना लो, आप 15 मिनट तो रहने ही देना एंड आप 20 मिनट भी रख सकते हो, उसके बाद आप इसको आराम से वॉश कर देना। सो इस क्रीम को भी आपको थोड़ा फास्ट अप्लाई करना है, जैसे कि 15-20 मिनट के अंदर अप्लाई कर देना है। मैं यहाँ पे अकेले इस वजह से काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे आदत है अकेले काम करने की। अगर आप बिगिनर्स है, आप पहली बार स्मूथनिंग डिबॉन्डिंग ट्राई कर रहे हो घर पर, दो आदमी की हेल्प से भी कर सकते हो। वीडियोस को आप डाउनलोड करके रख लिया करो, तभी आपको समझ आएगा। एंड अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो रही है रिबॉन्डिंग स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग को समझने में, मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगी एंड रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। सो अच्छे से न्यूट्रलाइजर अप्लीकेशन हो रहा है, फ्रंट में इस तरह से आपको रख देना। अगर आपको थोड़ा सा फ्लैट लुक चाहिए तो इस तरह से ईयर टू ईयर को डिवाइड करके रखना है आपको शोल्डर के पास। थोड़ा सा बाउंसी लुक चाहिए तो टोटल हेयर को पीछे कर सकते हो बस। तो अच्छे से न्यूट्रलाइजर अप्लाई हो चुका है, अब फेस पे जितना भी लग गया, जैसे कभी कभी लग जाता है ये पतला होता है, उसको रिमूव कर दीजिएगा बाद में। 20 या 25 मिनट के बाद आपको इसको वॉश करना है। पहले तो आप प्लेन वाटर से वॉश करोगे, थोड़ा सा इमल्सिफाई इसको भी कर लीजिएगा एंड बहुत हल्के हाथों से खींचिएगा हेयर को। क्या होता है जब हम वॉश करते हैं ना, थोड़ा सा हेयर खिंचाता है, तो बहुत हल्का हाथ रखिएगा। इसके बाद आपको यूज़ करना हेयर मास्क, जो कि लॉरियल एक्सटेंसो का ही यूज़ करूँगी ये वाला। इसको आपको अप्लाई करना है रूट पे मैं बोलती हूँ, मतलब ऊपर अप्लाई करना है, आपको स्कैल्प पे अप्लाई नहीं करना है, इस तरह से बस आपको हेयर पे अप्लाई कर लेना है। इससे क्या होगा, जो भी इतने हमने केमिकल को यूज़ किया ना हेयर में, तो उससे हेयर थोड़े से प्रोटेक्ट हो जाएंगे एंड थोड़ा सा शाइनी नज़र आएगा, मैनेजेबल हो जाएंगे। इसके बाद हम इसको रहने देंगे 5 या 7 मिनट्स के लिए एंड फिर से हम प्लेन वाटर की मदद से हेयर को वॉश कर देंगे। वीडियो 16 मिनट की मैंने डाली है, बट आप बिलीव नहीं करोगे इस प्रोसेस को करने में आपको 7 घंटे लग सकते हैं। इसके बाद आपको सीरम अप्लाई करना है, आप लॉरियल या स्ट्रिक्स का सीरम भी यूज़ कर सकते हो। क्लाइंट को यही वाला बोलिएगा शैम्पू यूज़ करने को, सीरम कोई सा भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है लॉरियल का ही खरीदना उनको।
इसके बाद आपको ब्लो ड्राई करना है, पहले ठंडा हवा उसके बाद गर्म हवा एंड फाइनल रिजल्ट अब मैं आपको दिखाती हूँ। एंड हाँ गाइज, एक बात तो आपको ध्यान रखना है, क्लाइंट को बोल देना है कि 48 आवर्स तक या 72 आवर्स तक क्लचर नहीं लगाएंगे, हेयर में पानी जाने नहीं देंगे, पसीना ना आए, एंड जब भी वो सोते हैं हेयर को पीछे करके रखेंगे। हेयर को 3 दिन तक टाई नहीं करना होता है, उसके 3 दिन के बाद या 48 घंटे के बाद हम क्लाइंट को बुलाते हैं हेयर वॉश के लिए। सो वो तो 3 दिन के बाद का प्रोसेस है, पहले मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखा देती हूँ ब्लो ड्राई करने के बाद। सो ओनली ब्लो ड्राई करने के बाद ही आपको फाइनल रिजल्ट दिखेगा। ब्लो ड्राई करने के बाद अगर इस तरह का रिजल्ट आया है तो आप समझ जाओ आपने परमानेंट स्ट्रेटनिंग एकदम सही की है, आप एकदम सेफ हो, क्लाइंट का पैसा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुआ है। बट अगर हेयर वॉश करने के बाद इस तरह का शेप नहीं आया है तो आप समझ जाओ आपने कुछ गड़बड़ किया है। लास्ट में आप हल्का प्रेसिंग कर सकते हो, मोटा मोटा सेक्शन लेके, मतलब 2 मिनट के अंदर मैंने प्रेसिंग की थी, वो हम ऑप्शनल होता है करना, इसलिए कर देते हैं ताकि थोड़ा सा फिनिशिंग और लगता है। एंड लास्ट में आप चाहे तो हेयर को कट कर सकते हो हल्का, जैसे इक्वल कट कर दीजिएगा। सो फाइनल कंप्लीट रिजल्ट आप देख सकते हो, हेयर कितनी ज़्यादा शाइनी लग रहे हैं, बाउंसी लग रहे हैं। सो बस यही है फाइनल रिजल्ट गाइज, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, 300 के मेरे जल्द से जल्द होने वाले हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड हाँ गाइज, 48 आवर्स या 72 आवर्स के बाद मैं इनका हेयर वॉश करूँगी तो उसका भी वीडियो मैं आपसे शेयर कर दूँगी। बस आपको क्लाइंट को एक ही बात बोलना है कि मैम आप क्लचर नहीं लगाओगे, कान के पीछे हेयर को नहीं रखोगे एंड पानी जाने नहीं दोगे। तो अगर वो इतना केयर करते हैं तो उनके हेयर में कभी वेव नहीं आएंगे एंड यही वाला रिजल्ट रहने वाला है। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से, मैं बाय बाय एंड टेक केयर।